तो हम आ गए हैं यहाँ लाइट एंड साउंड शो देखने कोणार्क में। ये दो शोज है, रोज डेली दो शो है। तो मंडे छुट्टी होती है, मंडे को नहीं होते होता ये शो। बाकी दोनों में दो शोज होते हैं, एक है 7:30 to 8:10 एंड देन द अदर शो आफ्टर दैट। तो इसका टिकट लेना पड़ेगा आपको। पहले जहाँ बाहर आपने अंदर आने के लिए जो टिकट लिया है, वहाँ जाके आपको वापस फिर से टिकट लेना होगा, जो 6:30 बजे से मिलना स्टार्ट होता है फॉर द 7:30 शो। और उसके बाद हेडफोन लेना पड़ता है, जो हेडफोन आपको लेना पड़ता है वो है 7 बजे से वो स्टार्ट करते हैं। तो ये चेयर्स रेडी है, करीब 125 कैपेसिटी होती है, 125 लोग एक साथ एक शो देख सकते हैं। तो अब 5-10 मिनट में और ये शो स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं लाइट एंड साउंड शो। और जो हेडफोन्स है आप उसको ले सकते हैं, और जो जब ये शो स्टार्ट होगा ना तो वो 3 लैंग्वेजेस में आप उसको सुन सकते हैं म्यूज़िक उसकी। तो लैंग्वेजेस है हिंदी, इंग्लिश या उड़िया। तो आप उसको सिलेक्ट कर लें कि आपको क्या किस लैंग्वेज में आपको सुविधा है सुनने में, और फिर आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं अपने पसंद के लैंग्वेज में। दिस इज़ रियली वेरी गुड। तो ये देखिए, ये हेडफोन मिल गया है, ये हेडफोन, और इससे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से कवर में दिया गया था, और फिर इस कवर को हमको वापस करना है हेडफोन के साथ। ये देखिए, इससे आप लैंग्वेज ओडिया, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। और इस लाइट एंड शो का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ का है। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं लाइट एंड साउंड शो। तो ये हेडफोन लगा कर हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं साउंड एंड लाइट शो के लिए। और ये देखिए, इस तरह का एक आपको रिमोट जैसा एक ये मिला है। तो ये चैनल है, अगर ये ऐसे कहाँ ओके, तो ये 1 है, यानी कि ये हिंदी है। और इस तरह से यहाँ से आप चैनल इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए 2, 3, देखिए 4, हाँ ऐसे 7th चैनल में आपको ओडिया दिख सुनाई देगा, और 1 में आपको हिंदी सुनाई देगा। आप इंग्लिश भी पूछ सकते हैं कौन सा है, शायद 2 इंग्लिश हो। और ये वॉल्यूम हाई और लो करने के लिए है। तो इस तरह से आप एंजॉय कर, यहाँ पे एक यहीं के कोणार्क इसी के एक यहाँ पे मेंबर भी खड़े रहते हैं कि अगर आपको कुछ ट्रबल हो इसमें इसको सेट करने में, तो वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। और जो टेंपल के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और कोविड के प्रोटोकॉल्स को माना जाए। एक शो का जो टाइम है वो है 40 मिनट का एक शो होगा। और इस शो में आपको यहाँ के रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में मालूम होगा। में 8 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, 8 प्रोजेक्टर्स के द्वारा ये दिखाया जाता है मुखशाला और नाट्य मंदिर के सामने। इस मंदिर का हिस्टोरिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस बताया जाएगा, जिसे बनाया था किंग नरसिम्हा देव 1 द्वारा, और धर्मपदा की पॉपुलर कहानी भी बताई जाएगी। और इसका ओडिया नरेशन किया गया है लेजेंडरी एक्टर लेट विजय मोहंती के द्वारा। इंग्लिश का नरेशन है कबीर बेदी द्वारा, और हिंदी का नरेशन शेखर सुमन द्वारा। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं इस शो को। उत्सव है जीवन का उत्सव, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य है। कोणार्क की शिलाओं में एक धड़कन है जो हर दर्शक को अपनी कहानी सुना रही है। मैं सुन रहा हूँ अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हुई महानदी की कलकल। पहाड़ियों वो कभी अलग हो जाती है तो कभी चंचल, हर पल अपने रूप बदलती ऐसे चली आ रही है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची।
इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद, इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगत चर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु है, यही जगत रचयिता है। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का, उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक हैं गति के। इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े सतरंगी किरणों वाले, उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं दिन और रात के जोड़े में। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का, इसीलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। बारहवीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भीम तृतीय निसंतान थे, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक ओडिशा पर राज किया। ये काल ओडिशा की गौरव गाथा का काल था, स्वर्ण युग था। ये वही काल था जब मुस्लिम शासक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। कश्मीर और उड़ीसा को छोड़कर देश का अधिकांश भाग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। उड़ीसा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने खड़ी थी। प्रजा की शंकित निगाहें नरसिंह देव को देख रही थी। नरसिंह देव ने ओडिशा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए ओडिशा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। मालव देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यवनों ने पुनः डेरा जमा लिया है। तुघान खान उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुघान खान उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यवनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार
उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बार हम आक्रमण करेंगे। उत्कल के विजय की प्रार्थना कीजिए रानी, उत्कल के विजय की प्रार्थना। जिसका नाम नरसिंह देव है और जो सेवक है जगन्नाथ के, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जाइए महाराज, विजय पथ आपकी राह देख रहा है। भयंकर युद्ध हुआ, मार काट मची, खून बहा। सिंह देव की वीरता और पाइक वीरों के युद्ध कौशल के आगे तुगान खान की पराजय निश्चित थी। तुगान खान का सेनापति करीमुद्दीन लागरी मारा गया। ओडिशा अगले 300 से भी अधिक वर्षों के लिए स्वतंत्र हो गया था। सन 1568 में अकबर के काल से पहले तक उसे पूरी तरह कभी पराधीन नहीं बनाया जा सका। लखनौर की विजय उत्सव और उल्लास लेकर आई, लेकिन नरसिंह देव का मन विचलित था। अशांत नरसिंह देव की बेचैनी उनकी पत्नी सीता देवी को चिंतित कर रही थी। विजय की माला गले में धारण करने वाले महाराज, अब तो प्रदेश पहले की अपेक्षा अधिक शांत है। आपका यश आपके आगे चलता है, फिर भी आप चिंतित हैं। सूर्यमुख कलांत क्यों है महाराज? देवी, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए। लेकिन मन अशांत है। युद्ध लड़ना और राष्ट्र को संरक्षित रखना, मात्र यही राजधर्म है? युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संस्कृति की रक्षा भी तो राजधर्म ही है। उसके बिना ये राज्य, उसकी भूखंड और उसकी सीमा का अर्थ ही क्या रह जाता है? महाराज, केसरी वंश के राजा पुरंदर ने एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया था। आपके पूर्वज भी वही पूजा अर्चना करते आए हैं। कोणार्क के उसी सूर्य मंदिर में आपकी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की और आपका जन्म हुआ। आज वो मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। आपकी माता ने वहां भव्य मंदिर बनवाने की कामना की थी। आप उनकी मनौती पूरी करें। शायद कला संस्कृति के विषय में आपकी सोच का आरंभ यहीं से हो। अद्भुत, इससे सुंदर और क्या हो सकता है देवी? शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करना होगा। निर्माण योजना पर कार्य रूप दिया जाने लगा। मंत्रियों और शिल्पियों के साथ सलाह मशवरा शुरू हो गया। ओडिशा के वास्तुकार मंदिर निर्माण में सिद्ध थे। ईसा की 7वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेय सामंतरा महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध।
नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में जान डाली जाने लगी। छैनी हथौड़े की चोट से वीरान कोणार्क जीवंत हो उठा। कोणार्क के जर्रे जर्रे में इतिहास छिपा है। हर शिला अपनी ही कथा कहती नजर आती है। सच है या झूठ ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन किंवदंती जरूर है। किस्से कहानियां तो उसी की बनती हैं जो श्रेष्ठ होता है। तो इन किस्से कहानियों से ये जरूर पता चलता है कि कोणार्क श्रेष्ठ है। द्वापर युग था। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से जामवंती के गर्भ से जन्मे सांब। सांब रूपवान थे, अपने रूप पर उन्हें गर्व भी था। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद पधारे। अपने रूप में मदमस्त सांब उनका अपमान कर बैठे। पृष्ट नारद ने कृष्ण से ये कह दिया कि तुम्हारा पुत्र सांब गोपांगनाओं के साथ प्रणय क्रीड़ा में लीन है। क्रोधित कृष्ण सांब को ढूंढने निकले। नारद ने सांब से कहा, पुत्र तुम्हारे पिता रैवतक पर्वत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता को प्रतीक्षा रत जान सांब तीव्र गति से रैवतक पर्वत की ओर भागे। वहां गोपियां पुष्करणी में जल क्रीड़ा कर रही थी। सांब को समक्ष देख उन्हें लगा साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। सांब ने कृष्ण छाया देख सुध बुध बिसरा कर गोपियां सांब से लिपट गई। तभी वहां पहुंचे कृष्ण। सांब को गोपियों के आलिंगन में देख क्रोध से भड़क उठे। अरे नराधम क्लीव, तू महापातकी है। मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस रूप के अहंकार में तू डूबा है तेरा वो रूप नष्ट हो जाए, तेरे रूपवान अंग कुष्ठ से भर जाए। पिता के शाप से सांप को कुष्ठ हो गया। नारद के प्रति हुए अपमान का उन्हें आभास हुआ तो वे नारद के पास पहुंचे। नारद ने उनकी दशा देखी और द्रवित होकर शाप मुक्ति का उपाय बताया। तुम भारत के पूर्वी तट पर मैत्रेय वन में जाकर सूर्य की उपासना करो। उनकी कृपा से ही तुम रोग मुक्त हो सकते हो। नारायण नारायण। साम चंद्रभागा नदी किनारे मैत्रेय वन में जाकर सूर्य उपासना में लीन हो गए। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न हो सूर्य देव ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया। रोग मुक्त सांब ने चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाई। वहां उन्हें पत्थर की बनी सूर्यदेव की मूर्ति मिली। उन्होंने मंदिर बनवा वहीं उसकी स्थापना कर दी। सांब की वो साधना पीठ आज कोणार्क मठ के नाम से जानी जाती है और आज भी देश के विभिन्न हिस्सों के कुष्ठ रोगी रोग मुक्ति की कामना के लिए यहाँ आते हैं। ये कथा है सांब पुराण की, पौराणिक है, उड़ीसा के जनमानस की कथा है। इतिहास का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोणार्क निर्माण में कितना समय लगेगा, कितने कारीगर काम करेंगे, कितना अर्थ व्यय होगा, सारा हिसाब लगाया जा चुका था। भ्रमरवर हरिचंदन आय व्यय की देखभाल कर रहे थे। पुरी से 19 मील उत्तर पूर्व पदमतोला गंड नामक पुष्करणी को भरकर मंदिर बनाने का फैसला ले लिया गया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों से चुन चुन कर कारीगर बुलाए गए। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर लाए जाने लगे। चित्रकोंडा, माकंडा, रेगेड़ा, श्वेत, श्याम, किस्म किस्म के पत्थर और नील रंग का ग्रेनाइट लाया गया नीलगिरी से। नवग्रह के लिए शिला आई 642 मन की।
मंदिर के ऊपर कलश स्थापना के लिए 56,000 मन का 25 फीट ऊंचा शिलाखंड जलमार्ग द्वारा 100 मील से भी अधिक दूरी से लाया गया। न सिर्फ इसे लाया गया बल्कि 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ाया भी गया। शिल्पियों का अद्भुत कौशल और लगन अचंभित कर देने वाले थे। कुल 1200 कारीगर लगाए गए निर्माण कार्य में काम पूरा करने के लिए और समय निर्धारित किया गया 12 वर्षों का। महाराज नरसिंह स्वयं रुचि ले रहे थे निर्माण कार्य में। कोणार्क मंदिर की योजना और निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्र शिल्प सारिणी के आधार पर किया गया था। इसकी निर्माण योजना को देखें तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर। मूल रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जगमोहन। विमान लगभग चौकोर होता है। कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के साथ घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और 7 दिनों के प्रतीक देते 7 घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। पूर्व की ओर कुछ हटकर नाट्य मंदिर बना है। मुखशाला और नाट्य मंदिर के बीच में अरुण स्तंभ था। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व सूर्य शक्ति देवी का मंदिर है। दक्षिण पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य बनी है। मुखशाला के पूर्व दक्षिण और उत्तर में 3 द्वार बने हैं। हर द्वार की सिद्धियों के दोनों अपूर्व खंभे हैं। पूर्व की ओर है सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार और उत्तर में है गज द्वार। सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है, वो जाति धर्म संप्रदाय और देश में फर्क नहीं करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वधर्म की पीठ है, सब एक है, यही कोणार्क कला का संदेश है। कोणार्क को गौर से देखें तो वो केंद्र से एकाकार होता नजर आता है, मानो कोई ताकत उसे अपने में लीन कर लेना चाहती हो। इसके शिल्प की खासियत यही है कि ये अपनी विशालता और भारीपन के बावजूद ऊपर की ओर उठता गतिमान प्रतीत होता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखा है, अद्भुत कोणार्क ओडिशा वास्तुकला का चरम है, एक जलता हुआ दिया है। पर अफसोस वास्तुकला का ऐसा अद्भुत चिराग इसके बाद ओडिशा के स्थापत्य में फिर कभी नहीं दिखा। ओडिशा के मंदिर भव्य साज सज्जा वाले मंदिर हैं। प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहां एक तरफ सूर्य को बिंबित करता है, वहीं वो प्रतीक ज्ञान का, परम ज्ञान का। पत्ते और डालियों से की गई सजावट भी प्रायः सभी मंदिरों की सज्जा का अंग है। ये डालियां बिना फूलों वाली हों तो गेंदा डाली, पक्षी बैठे हों तो हंसा डाली। अगर डालियां आप रूप लिए हों तो फांसी लता के नाम से पुकारी जाती है। कोणार्क के पहिए और चक्र की सज्जा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है।
उड़ीसा में मंदिरों के दरवाजों पर जबरदस्त नक्काशी देखने को मिलती है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो झांकी उकेरी गई है वो है मनुष्य की, जिसमें मानव आकृति अलग अलग भाव भंगिमाओं में द्वार के दोनों ओर लताओं का सहारा लिए झूलती दिखाई गई है। साथ ही कई द्वार डालियां जो मानव आकृतियां लिए उन्हें भी उठा गया है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और खास आकृति उकेरी नजर आती है, वो है आपस में गुंथी नाग नागिन की आकृति, जिसे अहिबंध या नागबंध के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की यह साज सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है, जैसे कोणार्क चक्र और तोरण द्वार। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है और विजय प्रतीक भी। कोणार्क के शिल्प में जहां एक तरफ युद्ध के दृश्य हैं, वहीं ताकत से भरपूर घोड़े और हाथी भी हैं। दहाड़ता हुआ सिंह हाथी को अपने पंजे में लिए हुए दिखलाया गया है। विभिन्न स्थानों पर राजा की आकृति उकेरी गई है, यहां तक कि मंदिर के गर्भगृह में राजा को घुटने पे झुके स्वयं सूर्यदेव के हाथों हार पहनते दिखलाया गया है। कोणार्क उड़ीसा मंदिर वास्तुकला का अंतिम मंदिर है, जहां परंपरा के साथ साथ कला की नई दृष्टि का मिलन साफ देखने को मिलता है। वास्तुकला के परंपरागत विषयों और बिंबों से हटकर नए विषय और प्रतीक परंपरा को आगे ले जाते नजर आते हैं। जनपद के महान शिल्पी विष्णु महाराणा, प्रणाम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रही। आपकी शिल्प कला के बारे में सुन सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज? माथे पे आशीष का हाथ रख दीजिए विष्णु महाराणा। कौन हो तुम बालक? तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ छोड़ जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ धर्मपद। पुत्र? हाय रे शिल्पी जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा है, जिसे गले लगाने को जी चाहता है, घंटों महीनों जिसे निहारने बातें करने का मन करता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, 1200 शिल्पियों के प्राण पुत्र स्नेह से अधिक प्रिय है। क्षमा पुत्र, मैं विवश हूं। ये दधिनौती नहीं लगा तो शिल्पियों के प्राण चले जाएंगे। अभी तुम जाओ, बाद में मिलूंगा जब काम समाप्त हो जाएगा। यह काम तो अभी के अभी समाप्त किया जा सकता है। ये दधिनौती शिखर पे चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है? मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, बस आशीर्वाद दीजिए। अचंभित पिता मुंह खोले देखते रह गए। धर्मपद जुट गया। देखते ही देखते दधिनौती शिखर को छूने लगा। जो काम सिद्ध शिल्पी न कर सके, वो 12 वर्ष के एक बालक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का उत्साह था, वही एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की ग्लानी भी। शिल्पियों के दल में बातें शुरू हो गईं। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी, हमारी कला हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्मपद के कान में पड़ी।
पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। और देखते देखते चंद्रभागा नदी में छलांग लगा, शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये किस्सा है या सच पता नहीं, लेकिन शिल्पी का शिल्प के प्रति सम्मान और आस्था को अवश्य दिखलाता है। 1200 शिल्पियों की 12 वर्षों की अनथक साधना के बाद कोणार्क का अद्वितीय सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा नरसिंह देव की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने के उपलक्ष्य में जबरदस्त समारोह का आयोजन किया गया। दूर दूर से अपार जन समूह समारोह में भागीदारी के लिए उमड़ पड़ा। नृत्य नाट्य गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे एक महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह देव स्वयं आहुति दे रहे थे। मंदिर के समक्ष आकाश में सर उठाए विशाल सूर्य स्तंभ अपनी सत्ता अपनी ताकत का आभास देता सबको चकित कर रहा था। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा, एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पद्म क्षेत्र देवला कर्मांगी के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई नीति से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की, परिणाम स्वरूप सूर्य देव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये बात कब लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता। कोणार्क में घूमते गाइड आपको अक्सर बताएंगे कि इसके विध्वंस की वजह और कुछ नहीं बल्कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की कारस्तानी थी। प्रचलित है कि मुखशाला के ऊपर एक विशाल चुंबक स्थापित था जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली था कि वो सुदूर समुद्र में नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता था। कोलंबस जैसे महान नाविक को ये भला कैसे रास आता, सो उसने इसे उखाड़ फिकवाया। कहते हैं कि चुंबक के हटते ही मुखशाला चरमरा के गिर पड़ी। सच तो ये है कि कोलंबस के कदम कभी ओडिशा की धरती पर नहीं पड़े। लगभग 150 वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 18वीं सदी के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखा चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी देखभाल इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है, जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है
जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए, कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है। दिन है वो, रात है वही, वायु है आकाश है वही, वो जल है जलवायु है, जल जल के जलता है। है नूतन है आदि भी है अनादि भी वही, सूर्य है वो उज्ज्वल ज्योति, वो ज्योति पुंज है आदि का बोला। वो अंको चले आ रहे हैं, वो दिव्यमान है, वो ज्योतिपुंज है, वो दिव्यमान है, वो ज्योतिपुंज है।